मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिसेसिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, जीवन रक्षा के माध्यम से मैंने कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाए हैं और आप सभी ने उसे काफ़ी अच्छा सराहा भी है। आज जो मेरा वीडियो है वो आज का जो करंट ज्वलंत टॉपिक है वो है ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों, आपको नहीं लगता ब्लैक फंगस नाम सुनने के बाद ऐसा लगता कोई कालिया नाग जो हमें कौन से क्षण डस लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी? दोस्तों, मैं रोज देख रहा हूं जो लोग अस्पताल में कोविड का इलाज करा रहे हैं या जो कोविड का इलाज करके अपने घर चले गए हैं, इतने सदमे में हैं कि पूरा समय आईना देखते रहते हैं, अपने परिवारजनों को पूछते रहते हैं कहीं यहां ब्लैक स्पॉट तो नहीं दिख रहा है, मेरी आंख सूजे भी तो नहीं है। कितना भय। मैं हरदम कहता हूं मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं लड़ना सिखा रहा हूं। डरना नहीं है हमें, लड़ना है। जिस तरीके से कोरोना पूरे दुनिया पे हावी हो गया, जिस तरीके से लाखों लोग इसमें संक्रमित हुए, कितने लोगों की मौत हो गई, परिवार उजड़ गए, हमारे गलती से। हमने हजारों गलतियां की है दोस्तों, इस वजह से कोविड हम पे इतना भारी गिरा। अब हम वापस वही करने जा रहे हैं, ब्लैक फंगस में भी हम वही करने जा रहे हैं, गलतियां। अनेक लोग बगैर मास्क के समाज में घूमते हैं, अस्थियां ऊपर करके और बगैर मास्क के। क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो? कोरोना से लड़ने के लिए वो इस तरीके से घूम रहे हैं? कोरोना कोई एक राक्षस या जानवर है जिससे ये जाके भिड़ेंगे? सचमुच मूर्ख है ये लोग, और इनकी मूर्खता पे मुझे हंसी आती है। मित्रों, अब अगर हम नहीं सुधरे तो ब्लैक फंगस क्या और भी कोई नई चीज आएगी? कब तक हम इन सब चीजों से लड़ते रहेंगे और कब तक हम घर में बैठे रहेंगे? आज हमें ये तय करना होगा कि कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो, जो भी है, इसके जो नियम हैं, इन नियमों का हमें पूरी तरीके से, पूरे ईमानदारी से पालन करना होगा। एक सांप के बारे में एक कहावत है इंग्लिश में, फियर इज मोर फेटल देन बाइट। सांप के काटने से उसका भय ज्यादा है। कितने थोड़े से समय में ब्लैक फंगस ने व्हाट्सएप और यूट्यूब पे प्रसिद्धि पा ली है, देखो कितने थोड़े से समय में। एक 15 दिन पहले हमें ब्लैक फंगस मालूम भी नहीं था, एक 15 दिन में वो हर इंसान के दिमाग पे एक छाप मार के चला गया और मार रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लैक फंगस क्या है, मैं समझाऊंगा कि ब्लैक फंगस क्या है, और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम नियमबद्ध है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, अब मैं आपको कोविड और ब्लैक फंगस इसके बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं। देखिए, आप सब लोग भलीभांति परिचित हैं एचआईवी एड्स से, आप स्वाइन फ्लू से परिचित हैं, आप डेंगू से परिचित हैं, आप इन सब बीमार हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी से आप परिचित हैं। ये बीमारियां अभी भी समाज में हैं, ये भी वायरस की बीमारियां हैं, कोविड भी वायरस की बीमारी है, लेकिन इन बीमारियों को हमने कंट्रोल करके रखा है, ये खत्म नहीं हुई है। आज भी स्वाइन फ्लू की, डेंगू की और एचआईवी एड्स की केसेस कई देखने को मिलती है, लेकिन इतने लाखों के प्रमाण में नहीं। अब धीरे धीरे कोविड भी इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, इसको एलिमिनेट इतने जल्दी नहीं किया जा सकता, इसको हम कंट्रोल करेंगे और बाद में कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद ऐसा प्रदर्शित होगा कि अब कोविड की केसेस कहीं तो भी एक आधी देखने को मिल रही है,
तो यहाँ पर हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है वो सीखना है। मित्रों, गलतियाँ तो ज़रूर हुई है, कुछ अस्पतालों से, कुछ हमारे से। लाखों लोग कोविड से ग्रस्त हुए, अस्पतालों में एडमिट हुए, उस वक्त उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन लगाए गए, उस वक्त ये नहीं देखा गया कि वो ह्यूमिडिफायर में कहाँ का पानी डालना है, बिस्लेरी का डालना है या डिस्टिल वाटर डालना है। वहां पर एक ही था कि तुरंत पानी भरो और ऑक्सीजन लगाओ, मरीज की जान बचाओ। कोविड से जो लोग ग्रस्त हुए उसमें जो लोगों को डायबिटीज था, जिन लोगों को एचआईवी एड्स था, जिन लोगों को कैंसर था या और भी कोई अन्य बीमारी थी जिससे उनके शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो गई थी, उन लोगों को जब इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया कोविड के चलते, तो वहां पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए। अगर वो इंजेक्शन नहीं देते डॉक्टर्स तो ये लोग बचते ही नहीं। अब वो इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट ये है कि उससे शरीर की प्रतिकार शक्ति और कम हो जाती है, यानी पहले ही प्रतिकार शक्ति कम है और इंजेक्शन से और कम हो गई, लेकिन जान बचाना तो प्रायोरिटी है। तो ऐसे लोगों को जब अस्पताल में, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कुछ लोगों में यह ब्लैक फंगस नजर आया। ब्लैक फंगस सिर्फ कोविड में होता ऐसा नहीं है, कोविड में वो नजर आया क्योंकि हजारों लो इम्यूनिटी वाले लोगों को कोविड हुआ और वो इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट हुए, उन लोगों को ऑक्सीजन लगा। अब ऑक्सीजन चाहे अस्पताल में लगो या घर पे, हजारों लोगों ने घर पे ऑक्सीजन लगाया, क्वारंटाइन हुए और घर पे ऑक्सीजन लगाया, बेड नहीं मिला या तो माइनर हेल्थ इश्यू था, तो उनसे घर पे गलतियां हुई है। तो हर गलती का दोष अस्पताल या डॉक्टर पे नहीं है, प्रायोरिटी होती है जान बचाने की, और इसमें ये गलतियां जो हुई है वो हमारे ध्यान में आई ब्लैक फंगस के रूप में। अब ये ब्लैक फंगस क्या है और ये कैसे इंसान को तकलीफ दे रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ब्लैक फंगस कई प्रकार का है, ब्रेन का है, लंग्स का है, पाचन क्रिया का है, स्किन का है, कई प्रकार का ब्लैक फंगस है। अब अभी जो ब्लैक फंगस हमें कोविड में नजर आ रहा है वो कौन सा है? तो मित्रों, अस्पताल में, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कुछ लोगों को नाक के भीतर एक काला दाग, काला धब्बा नजर आया। उन्हें समझा ही नहीं कि ये क्या है। जब वो काला धब्बा धीरे धीरे चलते हुए साइनस तक पहुंच गया, नाक के ऊपर सूजन आ गई, सर में दर्द चालू हो गया, बुखार आ गया, तो इन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट, एक्सपर्टाइज डॉक्टर को कंसल्ट कुछ लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया। बाद में कुछ ही दिनों में वो ब्लैक फंगस ने आंख को संक्रमित किया और आधे फेस को, आधा चेहरा। जब वो इतना भयानक चित्र हो गया कि आंख सूज गई, आंख से आंख की रोशनी कम हो गई है, नाक पे सूजन आ गई है, चेहरा सूज गया है, तब लोगों ने अस्पताल को, डॉक्टरों को कंसल्ट किया, तब देखा गया कि अरे ये तो ब्लैक फंगस है। और बाद में उसमें ब्रेन सर्जन, क्योंकि वो ब्रेन तक पहुंच गया, तो ब्रेन सर्जन, ऑप्थेल्मिक सर्जन, ईएनटी सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, डेंटल सर्जन, इतने सर्जन उस मरीज का इलाज करने के लिए जुट गए। तो बाद में समझ में आया कि अरे आंखों की रोशनी गई, अगर आंख नहीं निकाली तो इसकी जान जाती है। तो हर सर्जन ने अपना रोल अदा किया और देखते देखते किसी की आंख निकल गई, किसी का चेहरा डिसफिगर हो गया और किसी की जान चली गई। हर उस व्यक्ति को जो कोविड से ग्रस्त है या जो ग्रस्त नहीं है, उसे समझाना है कि ब्लैक फंगस क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ब्रेड में, रोटी में लगे हुए उस फंगस को देखते ही है, वही फंगस हमारे शरीर में लग गया। लेकिन अगर इसका निदान प्रथमावस्था में हो जाता है, इनिशियल स्टेज में हो जाता है, तो ये ब्लैक फंगस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इसे मेडिसिन्स देके, एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स इसे मेडिसिन देके वहीं कंट्रोल कर लेंगे, तो आग भी बचेगी और जान भी। लेकिन अगर हमने इसे नजरअंदाज किया, तो मैंने आपको बताया आंख निकालने से तो जान जाने तक कुछ भी हो सकता है। ब्लैक फंगस को जन्म दिया कोविड ने।
और कोविड को बढ़ाया हमने, सेफ्टी मेजर्स का पालन न करके। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सेफ्टी मेजर्स का पालन करो, कोविड से भी बचो। ब्लैक फंगस तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूं जिसमें ऑक्सीजन के जरिए ब्लैक फंगस कैसा होता है, कैसी गलतियां हम लोगों ने की है। और मैं हरदम कहता हूं कि अपने गलतियों का अध्ययन करो और सत्य के मार्ग पे चलो, यही जीवन है। जो व्यक्ति अपने गलतियों का अध्ययन नहीं करता है और सत्य के मार्ग पे नहीं चलता है, वहां पर ये प्रॉब्लम्स आते ही है। इसलिए जो भी तज्ञ लोग बताते हैं, वीडियो आने के बाद में या व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आया उसको फॉरवर्ड करो, हम बगैर सोचे समझे हजारों लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं और लोगों में एक तरीके का भय पैदा हो गया है। तो डरना नहीं है, लड़ना है। मित्रों, मैं आपको ऑक्सीजन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूं। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अधिकतर लोगों का यह समझ है कि ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइक्रोसिस ये कोविड के वजह से ही हो रहा है। मैंने मेरे वीडियो में क्लियर किया था कि ये लो इम्यूनिटी की वजह से होता है। शरीर की प्रतिकार शक्ति अगर कम है और वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, उसे ऑक्सीजन चल रहा है, उसे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जो देना डॉक्टरों के हिसाब से मैंडेटरी है, जरूरी है जान बचाने के लिए, उस वजह से ब्लैक फंगस ये इन्फेक्शन मरीज को हो रहा है। तो यहाँ पर हम गलतियों को देखेंगे कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। तो सबसे पहली गलती, व्यक्ति चाहे घर में रहो और ऑक्सीजन लगा रहा है, व्यक्ति चाहे क्वारंटाइन हो के ऑक्सीजन लगा रहा है, व्यक्ति चाहे किसी कोविड सेंटर में है या किसी अस्पताल में है, वो कहीं पर भी है, व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, नॉट नेसेसरी कि वो कोविड से ही है, तो वहां पर ये ऑक्सीजन किस तरीके से लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें ये लगा हुआ जो है इसे ह्यूमिडिफायर कहते हैं। अब ये ह्यूमिडिफायर जो है इसमें पानी रहता है, ये पानी जो है ये शुद्ध जल चाहिए। और शुद्ध की परिभाषा क्या है, ये मिनरल वाटर चाहिए, या तो फिर ये उबाल के ठंडा किया हुआ पानी चाहिए, या तो फिर ये डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। अगर ये सादे नल का पानी है तो इसमें फंगस ग्रो कर सकता है, मतलब ये अशुद्ध पानी है। ये ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर में की स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नियमित रूप से स्वच्छ होना चाहिए। अगर ये नियमित रूप से स्वच्छ नहीं हो रहा है तो इसके अंदर फंगस ग्रो करता है। जैसे किसी बर्तन में पानी रख दिया, किसी घड़े में पानी रख दिया और वो घड़ा नियमित रूप से साफ नहीं हो रहा है तो उसके अंदर फंगस ग्रो कर रहा है, वैसे ही इसमें भी कर सकता है। दूसरा, इसमें जो पानी रखना है वो पानी आपको एक तो मिनरल वाटर चाहिए, या तो फिर डिस्टिल वाटर चाहिए, या तो फिर उबाल के ठंडा किया हुआ पानी चाहिए। ये पानी उबाल के ठंडा किया हुआ है, ये पानी इसमें रखना है। इसकी मात्रा यहाँ पर दिए भी है कहाँ तक ये पानी रखना चाहिए। इसके बाद इस ह्यूमिडिफायर को आप इस ऑक्सीजन सिलेंडर को अटैच कर दो। अब यहाँ पर मैं आपको ये दो पाइप दिखा रहा हूं, ये दोनों ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप है, ये नेजल कैनुला कहते हैं और ये मास्क। अब ये मास्क से या नेजल कैनुला किसी से भी आप ऑक्सीजन दे सकते हो, लेकिन ये पाइप डिस्पोजेबल मतलब नए चाहिए, हर पेशेंट के लिए ये पाइप नया चाहिए। अगर ये रीयूज वाला पाइप है, किसी पहले किसी मरीज को यूज हुआ है और बाद में फिर आप दूसरे मरीज को सेम पाइप यूज कर रहे हो, तो इस पाइप के अंदर में फंगस ग्रो किया हुआ है और वो फंगस इस मरीज को जाएगा और फिर इसे ब्लैक फंगस हो जाएगा। इसलिए पाइप नया चाहिए। ह्यूमिडिफायर की स्वच्छता के बारे में मैंने बताया, उसमें रखे हुए पानी के बारे में मैंने बताया। अब मैं बताता हूं इस पाइप को कैसे अटैच करते हैं। इस पाइप को यहां आप अटैच करिए, अब यहां हम ऑक्सीजन शुरू करेंगे। यहां आपको दिख रहा है कि सिलेंडर में का जो ऑक्सीजन है वो इस ह्यूमिडिफायर में जा रहा है और ह्यूमिडिफायर से वो ह्यूमिड होकर इस मरीज को इस पाइप के जरिए पहुंच रहा है। अब यहां ह्यूमिडिफायर अगर स्वच्छ नहीं है, इसमें फंगस है, ये पानी स्वच्छ नहीं है उसके अंदर फंगस है, या ये पाइप नया नहीं है, रीयूज वाला है, इसके अंदर फंगस है।
फंगस इसमें कहीं पर भी अगर होगा तो इस मरीज को जाएगा और इस मरीज को ब्लैक फंगस यानी जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं वो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अस्पताल में रहने के दौरान ही इसे ब्लैक फंगस होगा, ये अस्पताल से छुट्टी लेके घर जाने के बाद में भी इसे हो सकता है। तो मित्रों, आप अस्पताल में रहो या घर पे रहो, जब भी आप ऑक्सीजन अपने आप को या दूसरे किसी को लगाते हो तो इन चीजों की दक्षता लेना बहुत जरूरी है, तभी हम ब्लैक फंगस और इन तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करिए, जीवन सुरक्षा के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जन जागृति के वीडियोस मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा और डरिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।